जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एशिया ऑन व्हील्स पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना टेस्ट और भवन पर होटल रूम की बुकिंग के बारे में कि आप अगर माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ किस तरह से होटल रूम की बुकिंग पहले से कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरी देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको अभी भी कोरोना टेस्ट की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ही लेकर जाना होगा, वो भी 96 घंटे के अंदर की रिपोर्ट ही वैलिड मानी जाएगी। आप में से कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था कि भाई कोरोना टेस्ट अभी हटा है कि नहीं। दोस्तों, अभी कोरोना टेस्ट हटा नहीं है। आप किसी की भी बातों में मत आना। यदि आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सारा प्रोसेस पहले वाला ही है। अभी भी आपको सबसे पहले अपनी यात्रा पर्ची बुक करनी होगी, उसके बाद अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा और उसके बाद ही आप माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से बस कोरोना टेस्ट के टाइम पीरियड को 48 घंटे से बढ़ाकर 96 घंटे करा गया है। उसके अलावा कोरोना टेस्ट का टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं करा गया है। यदि आप अपने होम टाउन से कोरोना टेस्ट कराकर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी प्रॉब्लम के चलते आप कटरा में जाकर कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं तो वहाँ भी आपका कोरोना टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करा जाएगा। यदि आप अपने होम टाउन से कोरोना टेस्ट कराकर जा रहे हैं और आपका टेस्ट 96 आवर्स पहले का है तो आपका दोबारा से कटरा में कोरोना टेस्ट नहीं करा जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी रही कोरोना टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं होटल रूम की बुकिंग के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप अपना होटल रूम बुक करना चाहते हैं पहले से ही तो आपको श्री माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा पर्ची का सीरियल नंबर डालना होगा। उसके बाद वहां रूम्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर आप अपना होटल रूम बुक कर सकते हैं। आप किस तरह होटल रूम बुक कर सकते हैं उसकी एक स्पेशल वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। यदि आप वहाँ जाकर अपना होटल रूम बुक करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी होटल रूम बुक करने में। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।